हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। ये दो ट्रांजैक्शंस को इस वीडियो में हम सीखते हैं। एक ट्रांजैक्शन तो जो मैंने अभी ऑब्जर्व की थी, ये हाँ रिसीट वाउचर है। एक हमारे बायर हैं, कस्टमर रिटर्न कंपनी, जिसने हमसे सामान लिया था, फिर एक पंखा और मेन रेफ्रिजरेटर तो वापस ही कर दिया था। तो अब उनकी कोई पेमेंट आई है, एक तो उसका हम रिसीट वाउचर लेंगे और दूसरा एक पार्टी का बिल हमने सेटल किया है। ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें जो बैलेंस है हमने उससे कम पैसे देके इसको क्लियर कर दिया है, तो उसमें फिर डिस्काउंट रिसीव्ड की भी हमें एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए पहले एक रिसीट वाउचर पास करते हैं, उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सबसे पहले ये एंट्री करनी है, हमें 18 अप्रैल की एंट्री है। रिटर्न कंपनी, आप जानते हैं, हमारे डेटर हैं, हमारे कस्टमर हैं, हमारे बायर हैं। इन्होंने 7200 का एक चेक दिया है हमारे को, बैंक ऑफ इंडिया पीतमपुरा पे। तो इसकी अगर हम जनरल एंट्री देखें तो इसमें कोई खास टेक्निकल नहीं है। बैंक में पैसा आया तो हमने डेबिट कर दिया, जो एसेट है वो इंक्रीज़ हो गई, और रिटर्न कंपनी जो हमारे डेटर हैं वो वाली एसेट रिड्यूस हो गई, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल रूल, F6 रिसीट वाउचर हम इसमें पास करेंगे। ये आ गया F6 रिसीट वाउचर, डेट इसकी एक बार फिर से देख लूँ। बैंक में आया 18 अप्रैल की इसकी जनरल एंट्री है, तो मेरे को इसकी डेट चेंज करनी पड़ेगी, 18 अप्रैल 2017, ठीक है ना। अकाउंट इस बार पैसा बैंक में आया है SBI, पार्टी है रीता एंड कंपनी। अमाउंट दिया है 7200, है ना, अगेंस्ट रेफरेंस, ये इसी बिल के अगेंस्ट आया है। चेक DD है, बिल्कुल है। इंस्ट्रूमेंट की डेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आ गया बैंक ऑफ इंडिया, इसका चेक है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रीता एंड कंपनी, मेरे ख्याल से अब तक आप इतने कॉन्फिडेंट तो हो गए होंगे कि आपको लगता होगा कि हाँ, एक बार अगर पेमेंट आई है तो रिसीट वाउचर है, पेमेंट दी है तो पेमेंट वाउचर है, सेल है तो सेल वाउचर है, परचेज है तो परचेज वाउचर है, माल वापस गया है अगर तो डेबिट नोट है, अब वापस आया है सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट है। मतलब ये 5-6 चीज़ें, जनरल एंट्री जरूरत पड़ जाए तो, मतलब ये जो मोटे मोटे नज़र आते हैं इनको तो आप करने के अंदर मेरे को लगता है 100% कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। खैर, अभी फ़िलहाल इसमें हमारे को एक पेमेंट मिली, तो 7200 हम देख पा रहे हैं कि अभी भी रिटर्न कंपनी का 900 रुपये बैलेंस बच रहा है। चलो ठीक है, 7200 मेजर पेमेंट आ गई, लेकिन ये फुल एंड फाइनल नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्काउंट इशूड नहीं मानेंगे। अभी ये ऑन अकाउंट पेमेंट ही एक तरह से हुई, एक्सेप्ट, यस, काम ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो ट्रांजेक्शन है, वो मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है, कि मोहन ट्रेडर्स को हमने 110,000 फुल सेटलमेंट पे दे दिया, एक चेक इशू किया और मोहन ट्रेडर को हमने पेमेंट कर दी। तो ऑब्वियसली मोहन ट्रेडर हमारे सप्लायर थे, लायबिलिटी रिड्यूस हुई, जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तब डेबिट, और ये मोहन ट्रेडर, नॉट मोहन, मोहन ट्रेडर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमने जो इनको पेमेंट की तो ये लायबिलिटी 110 पे आके ख़त्म हो गई। वो बात अलग है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगली एंट्री फिर हमने एक और पास की, क्योंकि हमने टैली में अलग अलग एंट्री करनी है, हमने एक और जो है यहाँ पर एंट्री पास की, और वो ये कि मोहन ट्रेडर्स को हमने डेबिट किया। अब हम इसका एक जनरल वाउचर डाल देंगे 3,000 रुपये का, कि भाई हमको डिस्काउंट मिल गया, तो वो उसके हिसाब से हमने इसको 3,000 रुपये क्रेडिट कर दिए, डिस्काउंट रिसीव भी हमारी एक इनकम हो गई। फिर से बोलूँ, मोहन ट्रेडर से टोटल हमारी लायबिलिटी 1,13,000 की थी। आप ऐसा सोच सकते हो 1% कि सर आपको कैसे पता 1,13,000 की थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको ये वैसे प्रॉपरली सिखाया नहीं है, अभी हम आपको लेजर देखना बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी भी अगर मैं आपको सिखाऊं बीच में भी तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। सपोज़ आप देख रहे हैं डी डिस्प्ले, अब मैं गया सपोज़ डिस्प्ले पे, मैंने कहा भाई डिस्प्ले में मेरे को अकाउंट बुक्स दिखा दो, तो ये है अकाउंट बुक्स। डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स पे जाके मैंने कहा मुझे लेजर दिखा दो, लेजर दिखा दिया जी। किसका लेजर दिखाऊं, मैंने कहा जी मुझे मोहन ट्रेडर का लेजर दिखा दो, दिखा दिया। 1,43,000 की परचेज हुई थी, फिर 30,000 की मैंने कैश पेमेंट की थी, यानी अभी भी 1,13,000 का इसका बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी थी। मैंने कहा ठीक है, 1,13,000 की मेरी लायबिलिटी थी, अब मुझे इसको पेमेंट करनी थी, पेमेंट करनी थी, तो मैंने देखा कि मैंने कितनी पेमेंट की, 1,10,000 फुल सेटलमेंट कर दी मैंने, यानी कि मैंने पूरे 1,13,000 ना देके 1,10,000 दिया। पार्टी ने सपोज कहा चलो कोई नहीं 3,000 रुपये आप डिस्काउंट समझ के ख़त्म, तो 3,000 रुपये की डिस्काउंट की एंट्री मैंने बाद में की। पहले मैंने क्या किया, जनरल एंट्री के एंगल से, एक पहले 1,10 की पेमेंट दिखाई बैंक से गई जो मेरी, मोहन ट्रेडर को 1,10 से रिड्यूस किया, और फिर बाद में जो 3,000 था वो भी अब ख़त्म करूँगा ना, नहीं तो बुक्स में खड़ा रहेगा 3,000, मैंने उनको डिस्काउंट रिसीव में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसकी दो एंट्रियाँ करनी है, पहले तो मैं पेमेंट वाउचर करूँगा इसका, 1,10 की जो मैंने पेमेंट की, डेट क्या है इसकी, डेट है 19,
तो यहाँ पर जाके मैंने इसकी डेट बदली, 19 अप्रैल हो गई। अकाउंट मैंने बैंक से पे किया है, मोहन ट्रेडर को पे किया है, 1,10,000 पे किया है, राइट, अगेंस्ट रेफरेंस यही बिल था, चेक है, चेक नंबर मांग रहा है वो, ओके, चेक नंबर है 219626, डेटेड 18 अप्रैल का चेक है, वो मैंने उसको पे कर दिया। नरेशन में डाल दिया, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन ट्रेडर्स एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, खत्म, ये मैंने कर दिया। नाउ दिस माई एंट्री इज कम्प्लीट, जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा ये काम खत्म। ये मैंने एक पेमेंट वाउचर 1/10 का डाल दिया, यस फिनिश्ड। अब मुझे 3,000 का एक जनरल वाउचर भी डालना है, राइट। अब जनरल वाउचर के लिए मैं वापस गया, यहाँ पर मैंने देखा मैंने 3,000 का जनरल वाउचर डाला है, कन्फ्यूज ना हो इसलिए क्लियर किया गया। टू हमेशा हम क्रेडिट के लिए लिखते हैं और बाय डेबिट के लिए होता है, एक्चुअली वो F7 में इस तरह से ये एंट्री हमें करनी है। यहाँ पर इसकी जो एंट्री है वो F7 जनरल वाउचर में हम कर रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा, यहाँ पर 19 अप्रैल की मुझे जो है वो एंट्री करनी है। तो बाय में मुझे सबसे पहले लेना है मोहन ट्रेडर्स को, ये मैंने ले लिया मोहन ट्रेडर्स, 19 अप्रैल ऑलरेडी है। 3,000 रुपये की मुझे एंट्री करनी है, अगेंस्ट रेफरेंस, हाँ ये उसी बिल के अगेंस्ट है, अमाउंट 3,000 है, सॉरी, यहां पर अमाउंट मैंने 3 रुपए लिख दिया ना, इससे गड़बड़ हुआ, ये सारा 3,000 होना है, अगेंस्ट रेफरेंस दिस दिस दिस, अब यहाँ आएगा ये 2 में मोहन ट्रेडर्स के साथ मैंने इसको दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड में, यहाँ 3,000 बीइंग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्डेड, ये मैंने डिस्काउंट का अमाउंट जो है मोहन ट्रेडर्स का रिसीव कर दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं मोहन ट्रेडर्स का बैलेंस जो है यहाँ 0 है, अब इसका कोई बैलेंस नहीं है, जीरो हो गया, क्योंकि 3,000 इसका जो लास्ट बचा था वो मैंने इसमें क्लियर कर दिया। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो आंसर ही बोलेगा यस। तो अब मेरी एंट्री एक तरह से कंप्लीट हो गई मोहन ट्रेडर्स की, जो मैंने 3,000 का इसका रेफरेंस डाला। अब मैं वापस एक बार जाके डिस्प्ले पे चेक करना चाहता हूँ, अकाउंट बुक्स में जाके लेजर देखना चाहता हूँ मोहन ट्रेडर्स का, कि अब वो एंट्री क्या दिखा रहा है। अब आप देखिए तो क्लोजिंग बैलेंस में नीचे कुछ नहीं है, देखिए टोटल 1,43 की मैंने परचेज की थी, 30,000 मैंने डेबिट किया, जो मैंने शुरू में कैश पेमेंट की, 1/10 मैंने भी SBI से एक पेमेंट कर दी। मैं किसी भी वाउचर को एंटर करके उसकी डिटेल भी देख सकता हूँ, ये 1/10 की मैंने एंट्री की हुई है, राइट। और 3,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया एक तरह से, और अब मेरा जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस भी 143 है, क्रेडिट बैलेंस भी 143 है, तो उस हिसाब से अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, राइट। उस वक्त जो गलती हुई अब मैं सोच पा रहा हूँ, वो 3,000 मुझे टाइप करते वक्त 3 के बाद कॉमा टाइप करना चाहिए था ताकि वो 3,000 ले, वो 3.00 टाइप हो गया, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि 3 रुपये क्यों ले रहा है ये। तो नाउ आई कैन रिकग्नाइज कि मैंने कहाँ एरर की थी टाइपिंग करने में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, और अभी हम इसके अंदर जो है ये 2-3 एंट्रियाँ जो हैं वो सीख चुके हैं। अभी मैंने इस वीडियो में बेसिकली आपको जो सिखाया वो ये कि किस तरह से पार्टी का जब अकाउंट सेटल किया जाता है, अगर हमने उसको थोड़ी बहुत कम पेमेंट की है, यूजली थोड़ी बहुत ही कम हो पाती है, तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव मान लेते हैं। अगर इसी तरह से हमारे को जो पार्टी पेमेंट करी है, यानी हमारा जो डेटर है, अगर वो कोई थोड़ी बहुत कम पेमेंट करेगा तो उसको आप क्या मानेंगे, डिस्काउंट इशू, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।